दोस्तों, इस दुनिया में जहाँ एक व्यक्ति सुखी संपन्न होता है, वह सुंदर और आलीशान बंगले में रहता है, वहीं दूसरा व्यक्ति दुखी, गरीब और झोपड़ी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति जो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति असफल क्यों हो जाता है? एक इंसान जो दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी 500 रुपये नहीं कमा पाता, वहीं दूसरा व्यक्ति प्रत्येक दिन लाखों करोड़ों रुपये बड़ी आसानी से कैसे कमा लेता है? कभी सोचा है आपने? कभी गहराई से इस पर विचार किया है? एक व्यक्ति जो साइकिल तक नहीं चला पाता, वहीं दूसरा व्यक्ति हवाई जहाज भी बड़े आराम से उड़ाता है। दोस्तों, एक सफल और असफल, सुखी और दुखी, एक गरीब और अमीर व्यक्ति की शारीरिक बनावट में कुछ खास अंतर नहीं होता है। उन दोनों के पास दो हाथ, दो पैर, आँख, नाक, कान, मस्तिष्क सभी लगभग एक समान ही होते हैं, परंतु उनकी जीवन शैली, उनकी उपलब्धियों में काफी अंतर होता है। दोस्तों, इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, वह जो सोचता है, जो मानता है, जो विश्वास करता है, जो उसका बिलीफ है, वह वही बनता है। एक लाइन में कहूँ तो हर व्यक्ति अपने संपूर्ण विचारों के योग का ही प्रतिरूप है और कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द कौन है? विचार रहते हैं, वो दूर तक यात्रा करते हैं। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियाँ और क्षमताएँ दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सपने देखने से, सिर्फ सोचते रहने से सब कुछ हो सकता है, तो फिर लोग कोई काम ही क्यों करते हैं? इतनी मेहनत, इतना परिश्रम क्यों करते हैं? अगर केवल सपने देखने और सोचने से कोई इंसान अमीर और सक्सेसफुल हो सकता, तो इस दुनिया का हर व्यक्ति धनवान और सफल होता। लेकिन दोस्तों, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जैसा कि अब्दुल कलाम ने कहा है, दुनिया के सैकड़ों, हजारों महान और सफलतम लोगों ने इस बात का पुरजोर समर्थन किया है, इसको सही माना है, तो हम इस बात को इतनी आसानी से रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब जब दुनिया के इतने सारे महान सुपर सक्सेसफुल लोगों ने इस बात पर इतना जोर दिया है, इतना बल दिया है, तो ये बात इतनी मामूली तो नहीं हो सकती। इसमें जरूर ही कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात छुपी है, कोई रहस्य छुपा है जिसे हमें जानने की जरूरत है, समझने की और सीखने की जरूरत है। दोस्तों, कोई इंसान जो वह सोचता है, वह कैसे बन सकता है, इस बात को जानने और समझने के लिए मैंने कई सारे हिंदी और इंग्लिश फेमस बुक्स को स्टडी किया है, और उन सब का एक निचोड़ निकालकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस संसार का सबसे शक्तिशाली चीज जो हमारे पास है, वो है हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड। यह इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि जब हम कोई सोच, कोई थॉट, कोई विचार के बीज इसमें बोते हैं, तो वही एक दिन विशाल वृक्ष के रूप में हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने दिमाग में नकारात्मक बीज बोए हैं या सकारात्मक, कोई मामूली चीज के बारे में सोचा है या कोई बड़ा लक्ष्य या मकसद के बारे में। आपके दिमाग के लिए सब कुछ संभव है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हमारा दिमाग जो इतना पावरफुल है, वह काम कैसे करता है। साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग दो भाग में काम करता है। पहला है कॉन्शस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। हमारा कॉन्शस माइंड अर्थात चेतन मन और सबकॉन्शस माइंड यानी अवचेतन मन, ये दोनों मिलकर ही हमारे जीवन को चलाते हैं। कोई व्यक्ति क्या करता है, क्या बनता है, यह इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है। हमारा कॉन्शस माइंड यानी चेतन मन सोचता है, तर्क वितर्क करता है, वह सही गलत की पहचान करता है, परंतु हमारा सबकॉन्शस माइंड कोई तर्क वितर्क नहीं करता है, वह सही गलत में कोई अंतर नहीं करता है, परंतु वह हमारे कॉन्शस माइंड से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हमारा हृदय जो एक मिनट में लगभग 70 बार धड़कता है, इसे कौन कंट्रोल करता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, हमारे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को इतनी सूक्ष्मता से, इतने सही तरीके से कौन संचालित करता है? कभी सोचा है आपने? ये सारे जटिल काम को हमारा सबकॉन्शस माइंड ही कंट्रोल करता है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे शरीर के 92% काम को हमारा सबकॉन्शस माइंड ही करता है। जब कोई सोच, जब कोई थॉट, जब कोई विचार को सबकॉन्शस माइंड में फीड कर दिया जाता है, जब किसी विचार को सबकॉन्शस माइंड तक पहुंचा दिया जाता है, तब वह उस पर काम शुरू कर देता है और उसे हर हाल में हकीकत में बदल कर ही रहता है।
आपका वो थॉट, वो विचार सही है, गलत है, छोटा है, बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन उसे सच्चाई में तब्दील कर देता है। दोस्तों, जिस तरह किसी अच्छे बैंक में जमा किया गया पैसा आपको ब्याज सहित वापस मिलता है, ठीक वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में बोया गया विचार का बीज एक दिन हकीकत बनकर आपके जीवन में प्रकट हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सवाल यह है कि किसी भी विचार को, किसी भी इच्छा को, किसी भी थॉट को सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाएं, उसे फीड कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको दो अचूक तरीके बताता हूं। पहला है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, और दूसरा है एफर्मेशंस। आपका जो ड्रीम जॉब है, आप अमीर बनना चाहते हैं या आपका कोई और लक्ष्य है, उसके बारे में ही सोचें, उसे इमेजिन करें, कल्पना करें कि आप वो बन चुके हैं। आप इमोशन के साथ उसे फील करें, अपने एफर्मेशंस को लिख लें और रात को सोने से पहले बार बार दोहराएं। किसी दीवार पर यदि आपको कील ठोकना हो तो एक ही बार में कील दीवार के अंदर नहीं जाता, इसके लिए बार बार, कई बार हथौड़े से ठोकना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने विचार को, अपने थॉट को, अपने सपने को, अपने लक्ष्य को बार बार विश्वास के साथ दोहराते हो, उसकी कल्पना करते हो, उसे महसूस करते हो, तो वह विचार, वह इच्छा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है और तब वह उस काम को पूरा करने में लग जाता है। वह ऐसे संकेत देता है, ऐसे प्रेरित करता है, वह आपके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है, ऐसे संयोग बनाता है जिससे आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी वो सोच, वो विचार, वो कल्पना हकीकत बन जाती है और फिर लोग कहते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया। इसीलिए दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि आप क्या सोचते हो, आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क में डर, घृणा, चिंता, द्वेष आदि के बीज बोएंगे तो यह आपके जीवन में दुख, अभाव, अशांति के रूप में प्रकट हो जाएगी। वहीं जब आप खुशी, प्रेम, सेहत, दौलत और सफलता के विचारों के बीज बोएंगे तो आपका अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। वह इस ब्रह्मांड की उन अद्भुत शक्तियों से ऊर्जा प्राप्त करता है जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने सूरज को चमकाया है, जिसने चांद और तारों को बनाया है। वह हर हाल में उसे हकीकत में तब्दील करके ही रहता है जो विचार उस तक पहुंचते हैं।